नमस्कार, ये हमारा लेक्चर नंबर 21 होने वाला है। BSLS 183 के लेक्चर्स हम कर रहे हैं। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मे बी आप शायद लेट भी हो, तो जाइए पूरी प्लेलिस्ट को शुरुआत से देख लीजिए। शर्त यही रहेगी कि आपको मैं कोई दिक्कत नहीं आने दूंगी। बस मेरी शर्त ये है कि आप फर्स्ट लेक्चर के फर्स्ट सेंटेंस से देख लीजिए, बिना हड़बड़ी मचाए उसको शिद्दत से ध्यान से नोट करते करते, नोट्स बनाते बनाते ही चलिए, बहुत आराम से चीजें हो जाएंगी। और जो भी सारा लोड है उसे मेरी तरफ छोड़ दीजिए और बस शांति से बैठ के जितना मैं करवा रही हूँ उसे करते रहिए, ठीक है? चलिए, अभी हमें करना है चैप्टर नंबर 16। ये ब्लॉक 4 वही है जो मैंने कहा था कि आप खुद कर सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर सारी की सारी इंग्लिश है। हमें स्पेनिश कल्चर को पूरा समझना है, स्पेनिश कल्चर को पूरा समझना है। ये हिस्पैनिक, स्पेनिक, स्पेनिश, सॉरी, हिस्पैनिक और स्पेनिश जो कल्चर है दोनों एक ही है। दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में आपको हिस्पैनिक ही देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जो आपका चैप्टर नंबर है ये 16 लास्ट चैप्टर है, जो कि हम ब्लॉक 4 के कर चुके हैं। 3 चैप्टर्स हो चुके हैं, ये हमारा फोर्थ है। और ये उनके कंपैरिजन में, इसके अंदर बोर्ड पर लिखने वाली चीजें नहीं है, सिर्फ मैं पढ़ूंगी, मैं बताऊंगी, या फिर मैं कहानी की तरह आपको समझाने की कोशिश करूंगी और आप सुनेंगे, और वहां जाके अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे जाके उसे लिख देंगे, इतना ही काम है, ठीक है? कुछ कुछ चीजें बोर्ड पे लिख दूंगी जो लगेगा कि हाँ ये की पॉइंट्स लिखना जरूरी है, ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर ये क्वेश्चन आए तो मैं क्या 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 लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। अदरवाइज बोर्ड पे आप आज लिखने का काम बहुत ही ज्यादा कम होगा, ठीक है? कंटेंट ऐसा नहीं है जैसे हम पेंटर्स के बारे में कर रहे थे, तो उनके बारे में जानना कब क्या किया, कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा ये वो सब, तो ये सारी चीज चल रही थी, उसको याद करने के लिए लिखना जरूरी था। बट ये जो मैं बताने वाली हूँ ये नॉर्मली आप सब चीज जानते हैं, बस मैं रिपीट कर लूंगी। आप साथ में एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, और मैं बार बार जो बोल रही हूँ उसको एक बार फिर से भी देख सकते हैं, तो आसानी से चीजें खत्म हो जाएगी। चैप्टर का नाम क्या है? लास वियस्तास। लास वियस्तास क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब है कि पार्टीज बोल सकते हैं, द पार्टीज, या फिर फेस्टिवल्स कुछ भी डाल सकते हैं। मतलब ऐसी हम चीज पढ़ने वाले हैं जहां पे जो सारे स्पेनिश कल्चर में जो लोग होते हैं वो कैसे गेट टुगेदर करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या उनके फेस्टिवल्स होते हैं, क्या क्या चीजें उनकी लाइफ में आती रहती है जिसकी वजह से वो एक साथ बैठ के एक जगह पर चीजों को याद करते हैं, वो सारी चीजें, पार्टीज, फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल्स जो कि आपने कभी मूवीज में भी देखे होंगे कि हाँ ये वाला एक इवेंट है जिसको बनाया जाता है, ये वाला इवेंट, वो सारे ही इवेंट भी हम सीखने वाले हैं। जैसे मैं आपको हिंट देती हूँ, आप ज्यादा जानते होंगे कि एक जैसे हमारे यहाँ पे होली खेली जाती है ना, रंगों से होली खेली जाती है, बट वहां पर आपने देखा होगा वो ला टमाटर, मतलब कि टमाटर से होली खेली जाती है। तो ये सारी चीजें ना हम सीखने वाले हैं। ये हिंट इसलिए दी ताकि आप रिलेट कर पाए कि हम चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं। ओके, ये रही बुक, ठीक है? हाईलाइटेड कंटेंट है, मैं बोलती रहूंगी, मेरी बातें आपको सिर्फ सुननी है, लिखने का काम थोड़ा बहुत होगा वो मैं यहाँ पे लिखवा दूंगी, बाकी आपको सिर्फ सुनना है और मुझे थोड़ा बहुत ही लिखना है यहाँ पे, बाकी मेरा काम सिर्फ बोलने का है और आपका काम सिर्फ सुनने का है, इतना ही काम है। इतने में ही आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ, ऑब्वियसली स्पेनिश नहीं पढ़ाते, स्पेनिश पहली बार पढ़ा रही हूँ, बट पढ़ाने का पता है मुझे कैसे किस चीजों को कराया जाता है, तो चीजें रिटेन कर जाती हैं लंबे टाइम तक। दैट्स इट, ओके, शुरू करें। सबसे पहले मैं हेडिंग का नाम डाल देती हूँ। ये रहा आपका पहला टॉपिक, सोशल एंड फैमिली सेलिब्रेशन, जिसके अंदर मैंने तीन हेडिंग डाल रखी है, बर्थ, मैरिज एंड डेथ, ठीक है? ये तीन इवेंट्स हैं जिसको मैं अभी आपको बोल के चीजें समझाऊंगी, और बहुत ज्यादा समझने वाली चीज तो है नहीं पहली बार, कि कैसी तरह के वहां सेलिब्रेशन होते हैं, जैसे बर्थडे होती है। पढ़ दूं एक बार, बर्थ, डेथ एंड मैरिज आर द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ द एवरीबडीज पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो द इवेंट्स दैट यू शेयर विद योर बिलव्ड वंस, ठीक है? तो आपका बर्थ, डेथ और मैरिज जो है ये तीन चीजें हैं जो कि हम अपने पॉपुलर इवेंट माने जाते हैं, प्रिंसिपल इवेंट्स माने जाते हैं, जो कि हर किसी की लाइफ में आते हैं, और हर कोई तीन ही पड़ा है जिंदगी के। ऑब्वियसली मैरिज के टाइम पे हमारी एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। बर्थडे के बारे में बात करें, है ना,
बर्थ मतलब कि बर्थडे है ना, जन्म कह सकते हैं। तो इसमें जैसे नॉर्मली होती ही है बर्थडे पार्टीज, जैसे हमारी होती ही है घर पे, वैसा ही सब कुछ होता है, गेट टुगेदर होता है, सबको इनवाइट किया जाता है बच्चों को। बस इसके अंदर एक स्पेसिफिक चीज है जो मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग ऐसे बना के लिखा हुआ है तो बताना जरूरी है। बाकी सारी चीजें सेम है। बर्थडे में क्या होता है, गेट टुगेदर होता है, सारे बच्चों को बुलाया जाता है, उनके फैमिली फ्रेंड्स को बुलाया जाता है, हर किसी को बुला के एक केक कटिंग होती है, सब चलता है। बट एक अलग रस्म है, बोल सकते हैं आप, रिचुअल है उनका। अ फनी प्रैक्टिस इन स्पेन इज द ईयर पुलिंग। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स विल पुल द बर्थडे बॉय और अ गर्ल्स ईयर एज मेनी टाइम्स एज कॉरेस्पॉन्डिंग टू हिज और न्यू एज। मतलब कि इसके अंदर एक ईयर पुलिंग की एक रस्म है कि जितने साल का वो बच्चा हो जाएगा या वो लड़की हो जाएगी तो उतने ही बार उसके कान खींचे जाएंगे, ऐसे खींचे जाएंगे। और ये रस्म है तो मैंने बोल दिया, यहाँ पे लिखेंगे तो ऑब्वियसली टीचर को पता चलेगा कि आपने पढ़ा है, तभी जाके आप ये वाला फैक्ट यहाँ पे लिख पा रहे हैं। और लैटिन अमेरिकन गर्ल के में, लैटिन अमेरिका अगर कोई गर्ल है तो उसके लिए 15, जो उसका 15th बर्थडे होता है, जो उसका 15th बर्थडे होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल माना जाता है, बिकॉज उसे ऐसा समझा जाता है कि अब वो एक गर्ल से एक विमेन की तरफ, एक पड़ाव की तरफ चढ़ चुकी है। बिकॉज अब उसके अंदर जो गर्ल जो थी अभी तक, वो जो बच्ची थी, अब उसके अंदर विमेन्स की क्वालिटी इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो 15th बर्थडे जो होता है एक लैटिन अमेरिकन गर्ल के लिए, वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, उसको स्पेशल तरीके से मनाया जाता है। ठीक, वेडिंग की बात कर लेते हैं। मैं इतना छोटा छोटा कंटेंट इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ, पहली चीज तो आपको वहाँ पे सिर्फ 60 वर्ड्स में आंसर देना है, जो कि छोटा ही कंटेंट होगा। और ऐसा कंटेंट दे रही हूँ जो डायरेक्टली लिखेंगे तो टीचर को लगेगा कि आपने पढ़ाई की थी, तभी आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे लिख पा रहे हैं। वेडिंग की बात करें, इसके अंदर वेडिंग ऐसी होती है, लड़का आता है घर पे, पेरेंट्स से बात कर होती है, डिसाइड होता है, और फिर सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है, सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऑब्वियसली इसमें क्रिश्चियन वेडिंग होती है, ज्यादातर स्पेनिश जो होते हैं वो क्रिश्चियन ही होते हैं, बिकॉज क्रिश्चियन जो है वो जो मोस्ट पॉपुलर है अदर कंट्रीज में। ठीक है, इसके अंदर एक और चीज है जो लिख सकते हैं आप, आफ्टर द सेरेमनी दे बोथ वर्क डाउन द एस्ले व्हाइल एवरीबडी थ्रो राइस एंड फ्लावर पेटल्स टू द न्यूली मैरिड कपल। जब सेरेमनी खत्म हो जाती है तो जब वो जा रहे होते हैं तो हर कोन के ऊपर चावल और फूलों की पत्तियां डाल रहा होता है न्यूली मैरिड कपल पे। बस मतलब शादी हो चुकी है, अब तो ऑब्वियसली कपल हो चुके हैं, शादी की रस्म कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद उनके ऊपर राइस और कुछ पेटल्स डाल दी। ये रस्म हमारे हिंदू धर्म में भी है मेरे हिसाब से, अगर मैं सही हूँ तो, जिसके अंदर राइस फेंक के विमेन जो वो होती है, ब्राइड होती है, वो घर छोड़ के ऐसा कुछ जाती है, मेरे हिसाब से मैंने ऐसा कुछ देखा है तो वो। ठीक है, तो बस इतना ही था इस वाले में, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब मैं इसको लिखवाना चाहूँ यार, ये चीज को लिखवाने की है आपको, बता दिया, आप नोट कर लो, जैसे आपने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, बर्थ में मैंने आपको ईयर पुलिंग लिखा, इसके बगल पे ईयर पुलिंग लिख लो कि आपको याद रहे ईयर पुलिंग वाला पॉइंट डालना है। फिर इसके बगल पे कॉमा डाल के 15th बर्थडे लिख दो, तुम्हें ये भी याद रहेगा 15th वाला पॉइंट डालना है। फिर मैरिज के अंदर मैंने जो बोला राइस और पेटल वाला लिख दो, तो राइस और पेटल डाल दो, दिमाग में आ जाएगा। ये पूरा एक्सप्लेन करके लिखने की मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक और चीज, जैसे कि हर कोई ये दोनों चीजें तो सेलिब्रेट बहुत अच्छे से करता है, बर्थ और मैरिज, पर स्पेनिश के अंदर डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, परहैप्स इट विल साउंड सरप्राइजिंग बट मोस्ट हिस्पैनिक कंट्री आल्सो सेलिब्रेट द डेथ। तो डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है, ऐसा नहीं कि किसी इंसान की मृत्यु हो गई तो सेलिब्रेशन हो रहा है, नहीं, बाद में एक डेट फिक्स होती है जिसमें उस दिन सेलिब्रेशन मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि पहले ही बता दी तो पढ़ के क्या बताना, कि जिसके अंदर ऐसा बोला आपने, वो मेरे हिसाब से, मेरे को मूवी याद नहीं है, मैंने कभी टीवी पर ऐसे रेंडमली देख ली थी, एक कार्टून मूवी है जिसमें वो जाते हैं और उसके सारे पूर्वज जो होते हैं, एक बच्चा होता है कार्टून कैरेक्टर है, उसके जो पूर्वज होते हैं वो आते हैं और सब ऐसा अलग डिजाइन कर रखा होता है सबने, और पूर्वज आके पार्टी मनाते हैं उस दिन। तो ऐसा बोला जाता है कि पूर्वज भी आके, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं वो आके हमसे बातें करते हैं, हमारे साथ पार्टी करते हैं, और पार्टी ऑर्गेनाइज इसीलिए की जाती है ताकि वो आए छुट्टी लेके वहां से जहां भी वो हैं अभी, और उसके, सॉरी 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 कैमरा के लिए, और हमारे साथ इंजॉय करो, पार्टी करो। ठीक है, पढ़ लेते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स गैदर ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ नवम्बर टू रिमेंबर एंड प्रे फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु हैव डाइड। द डे ऑफ द डेथ्स इज पर्टिकुलरली सेलिब्रेट इन मेक्सिको वेयर इट इज अ नेशनल हॉलीडे।
तो इसको डे ऑफ द डेथ भी बोला जाता है कि सेलिब्रेट किया जाता है। ये डायरेक्टली लिखने की जरूरत, दिमाग में रह जाए तो लिख देना, नहीं तो आपको लिखना ही है कि डेथ को भी सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए किया जाता है। तो इस दिन घर पे बहुत सारी चीजें होती है, रस्में होती है। अब देखो ये फोटो दिखाती हूँ मैं आपको, शायद आप रिलेट कर जाओ मैं किसकी बात कर रही थी। देखो ये वाली मूवी जिसके अंदर ऐसे करेक्टर बन के जाते हैं, है ना, तो इट इज नॉट अ सैड इवेंट, ऑन द कॉन्ट्रेरी एवरीबॉडी रिमेम्बर्स फनी इवेंट्स एंड एंसिडोट्स अबाउट द डिपार्टेड वंस एंड शेयर ट्रेडिशनल मैक्सिकन ड्रिंक। ड्रिंक्स ऑफर होती हैं, बहुत सैड इवेंट नहीं होता ये, इसको एज अ फनी इवेंट की तरह लिया जाता है। ठीक है, इट इज बिलीव दैट द स्पिरिट्स ऑफ द डेड आर ऑल्सो इंजॉइंग द पार्टी, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड रिमाइंडिंग दोज हु आर अलाइव। कह रहे हैं कि डेड भी आते हैं, जो भी हमारे घर के जिनकी मृत्यु हो गई है वो इस पार्टी में आते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, इसलिए सेलिब्रेशन, आते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, और किन के साथ रहते हैं, जो अभी इधर जिंदा है उनके साथ रहते हैं। वो मूवी में मेरे हिसाब से ये था कि उनके घर में कोई भी नहीं होता जो उनको याद करने वाला होता है, जो उनके जो पूर्वज होते हैं वो आ नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनके वंश का होना चाहिए जो उन्हें ऐसे याद कर, ऐसा कुछ था मूवी में, मुझे याद नहीं आ रहा है वो चीज। ठीक है, ये वाला टॉपिक यहीं खत्म हो गया। आप बताइए, इसको मेरे को लिखने की जरूरत थी? मैं जब आपको बोल के समझा पा रही हूँ तो इससे ज्यादा लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि इसको है, ऐसे ही समझाने वाली हूँ भाई। ठीक है, खुद बना रही हूँ पॉइंट। अब हमें करना है कुछ नेशनल सेलिब्रेशन। ठीक है, अभी तो फैमिली सेलिब्रेशन थे, अब है नेशनल सेलिब्रेशन। यहाँ लिख दो, अभी नेशनल सेलिब्रेशन में भी ये टॉपिक डाल दिया। मैं बताती कौन कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है। पहले तो ऑब्वियसली जो सारे क्रिश्चियन सेलिब्रेट करते ही हैं, पहला क्या है, 25 दिसंबर, क्रिसमस, है ना, 25th दिसंबर, सॉरी 25th दिसंबर क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जीसस का जन्म हुआ था, इसीलिए क्रिसमस को मनाया जाता है। अब मैं इसमें आपको क्या समझाऊं, वो डेकोरेट करते हैं, ट्री को डेकोरेट करते हैं, एक ऐसा कुछ स्केचेस टाइप बनाते हैं, इधर देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन करते हैं जिसके अंदर वो सारी लाइट दिखती है कि किस तरह से उनका जन्म हुआ, कैसे सुना, तो ये सारी चीजें दिखती हैं। ठीक है, और एक 24 दिसंबर भी इसी में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको क्रिसमस ईव कहते हैं, है ना, पता है हमें 24 को क्रिसमस ईव होता है, 25th को क्या होता है, क्रिसमस होता है ऑब्वियसली। ठीक है, और अब इसलिए बताने की जरूरत है मुझे कि क्यों मनाता है, भाई सेंटा आता है, आपको याद होगा छोटे में, पता नहीं मेरे को ये नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ रही है कि छोटे में ना हम, मैंने तो किया है, आपका आप बताना कमेंट में किया है ये नहीं किया है, कि हम ना सिग्नेचर करवाया करते थे सबसे, सब सिग्नेचर करवा दिए पन्ने पर, सिग्नेचर करते थे और ऐसे रात में ना रख के सोते थे। मैंने सिर्फ जिंदगी में एक बार किया, सिग्नेचर बहुत बार कराया पर कभी कंप्लीट नहीं हो पाता था। मेरे हिसाब से कोई नंबर होता था, 101 होता था, ऐसा कुछ नंबर है कि जो भी विश मांगोगे ना वो पूरी हो जाएगी, ऐसा कुछ था। मैंने अपनी जिंदगी में एक दो बार उसे किया है, आप बताना आपने कुछ ऐसा किया है? ऐसा थे छोटे थे तब, हिसाब से कौन सी क्लास में रही होंगी मैं, 4th 5th में थी जब मैंने ये काम किया था। चलिए, तो जो रेड ड्रेस सेंटा है वो आते हैं, सेंटा क्लॉज आते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, क्या बताऊं मैं इसमें। फिर उसके बाद एक और होता है, यहाँ पे 24 भी लिख लेना। ठीक है, यहाँ 24 भी ऐसे लिख रही हूँ मैं, पहले 24 लिखना चाहिए था, 25, पर ठीक है आपको हिंट दे रही हूँ। एक दूसरा है होली वीक, होली वीक, ये होली वीक क्या है, इस दिन जीसस की मृत्यु हुई थी, तो इस पूरे वीक को मनाया जाता है, इस दिन नेशनल हॉलीडे प्रोवाइड किया जाता है, कैंडल्स लेके लोग ऐसे बाहर निकलते हैं। इधर आप पिक देख सकते हैं, लीजिए यहाँ पे पिक्चर अवेलेबल है ये वाले। ठीक है, तो ऐसा कुछ हर कोई दुख दिखा रहा होता है, ये खुशी का नहीं होता ऑब्वियसली, क्योंकि इस दिन मृत्यु हुई है, किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया था, अगर आपने कहानी सुनी है किस तरह से टॉर्चर किया गया था तो वो दिखाया जाता है। मेरे को भी बहुत ज्यादा इस, मेरे को पूरा, मेरे को स्टोरी सुनाई गई थी एक बारी, क्योंकि मेरे घर में ही, बताऊंगी नहीं कौन एग्जैक्टली,
बिकॉज पर्सनल लाइफ भी मैटर्स करती है, बट हाँ हमारे घर में किसने, एक जने ने क्रिश्चियन में शादी करी है, जिसकी वजह से मुझे उनके पूरा पता चला था कि क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें होती है। तो एक गुड फ्राइडे सेलिब्रेट किया जाता है, बट वो इधर मेंशन नहीं है तो मैं आपको भी नहीं बोलूंगी, बुक में है जो वही करना। ये दोनों चीज होली वीक दो डेथ के लिए है, और ये वाला जो है वो जन्म के लिए है, ये किया जाता है ठीक है। और इसके अंदर हर कोई अपना दुख जाहिर कर रहा होता है, और किस तरीके से जीजस को टॉर्चर झेलना पड़ा, इस सब चीजों की बातें कर रहा होता है। ये हो गया, क्या बताऊं इसके अंदर, सोच तो रही थी मैं ऐसा, मैं बताती हूँ। मैंने ऐसा सोचा था इस चैप्टर को बोल दूंगी कि कुछ नहीं है इसमें, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आप कर लेना, बट मैं कुछ नहीं छोड़ रही आपके लिए। अपनी तरफ से ना एक एक परसेंट भी आपको चांस नहीं दूंगी कि बोल दो कि आपने ये नहीं करवाया। चलो लास्ट टॉपिक, अदर सरप्राइजिंग सेलिब्रेशन। अदर सरप्राइजिंग सेलिब्रेशन, इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले तो एक वाला करना है, बताती हूँ। ये दोनों से यार फेमिलियर होंगे, अभी बताती हूँ। मूवी बताऊंगी, मुझे शायद इस मूवी का नाम याद है जिसमें मैंने ये पूरा देखा था। ये रहा नाम, लॉस सन फरमाइंस ठीक है। इस दिन होता क्या है ठीक है, पहले तो कोई सैन फरमाइंस कोई इंसान थे, उनके ऑनर पे इसको फेस्टिवल को बनाया जाता है। एवरी ईयर, पढ़ देती हूँ लाइन क्या है लिखी हुई है, एवरी ईयर थाउजेंड्स ऑफ पर्सन फिल्ड अप द स्ट्रीट ऑफ पम्पलोना नवारा स्पेन, स्पेन में जगह है, टू सेलिब्रेट द वीक लॉन्ग ऑफ द फेस्टिविटीज इन ऑनर ऑफ सैन फेरमिन फ्रॉम जुलाई 7 to 14। इसमें होता क्या है, हर किसी ने व्हाइट कपड़े पहने होते हैं, एक व्हाइट कलर का और रेड कलर का, रेड कलर का एक हैंकी बांधा होता है अपनी नेक पे, रेड कलर का हैंकी बांधा होता है नेक पे, और कुछ म्यूजिक चलता है, फायरवर्क चलता है, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं, और मोस्ट पॉपुलर इवेंट में इसको माना जाता है। पढ़ दो इंग्लिश में एक बारी, एवरीबॉडी इज ड्रेस विद अ व्हाइट क्लोथिंग एंड पुट अ रेड हैंडकरचीफ अराउंड दी देयर नेक एंड एंजॉय म्यूजिक फायरवर्क रिलीजियस सेरेमनीज एंड द मोस्ट पॉपुलर इवेंट जो कि है एनसियरो ठीक है। इसी में लिख देती हूँ एनसियरो, इसी के अंदर के पार्ट ही है ठीक है। स्पेलिंग क्या है एनसीए रो, जिसका नाम इसको इंग्लिश में बोला जाता है बुल रनिंग, क्या बोला जाता है बुल रनिंग, इसको जरूर मेंशन करना है, अगर ये क्वेश्चन आता है इसको जरूर मेंशन करना है। ये वही है देखो वाली है ना कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, आई गेस यही है, जिसमें तीन दोस्त होते हैं और वो स्काई डाइविंग स्कूबा डाइविंग और ये वाला खेल करते हैं, तीन चीजें करते हैं वो, तो जिसके अंदर वो जाते हैं, देख लेना इसका उसमें यूट्यूब पे जाकर वीडियो देख लेना, दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो ये लॉस्ट सन फ्रेमिंस के ऑनर पे ही इस फेस्टिवल को बनाया जाता है, उसी में एक और अदर एक्टिविटी की जाती है जिसका नाम है एनसीएरओ, जिसके अंदर छह बुल्स को एक पतली सी स्ट्रीट पर, एक पतली सी स्ट्रीट पर छह बुल्स को भगवाया जाता है, वो भाग रही है और उनके सामने जो लोग हैं है ना, सारे के सारे लोग हैं जो व्हाइट कपड़ों में हैं, वो भाग रहे हैं आगे और बुल उनके पीछे पीछे आ रही है ठीक है। खतरनाक, सोच सकते हो कितना खतरनाक वाला मोमेंट है ये, कि वो बुल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक है ऑब्वियसली, छह एक साथ आ रहे हैं, भागते भागते भागते, कोई स्केप का रास्ता नहीं है, बिल्कुल सीधी है, नैरो, बिल्कुल ऐसा नहीं कि यहाँ भाग जाओ यहाँ भाग जाओ, बिल्कुल सीधी है, उसमें आपको भाग रहे हैं, वो आ रहे हैं भागते भागते ठीक है। और ये स्ट्रीट भी ओल्ड टाउन ऑफ पंपलोना में ही होता है, ये जो जगह है वहां पे जो मैं बोल रही थी सेलिब्रेशन पंपलोना में ही होता है, और ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, और इसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है ऑब्वियसली, कभी इंजर्ड हो जाता है कभी जान चली जाती है, बिकॉज बोल है यार भाग रहे हो, कोई जगह नहीं है, कैसे निकल के जाओगे ऊपर है ना। तो ये वाला जो सीन है उस मूवी से ही मैंने एक बार पहले देखा था, जब मैं इसको पढ़ रही तब मुझे याद आया था कि हाँ ये तो वही है। पढ़ दो एक बार इंग्लिश में, इन दिस स्केयरिंग इवेंट हंड्रेड्स ऑफ पीपल रन इन फ्रंट ऑफ सिक्स बुल्स
along some narrow streets of old town of Pamplona, and this event is very dangerous and some people even get accidentally killed or injured by the bull. उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बस भागना ही है भागना है, और ये है तो बहुत खतरनाक, तब भी बहुत रोमांस से लोग ये करते हैं, एडवेंचर है ना, जान जाए पर एडवेंचर ना जाए, कोई वाला। ठीक है, एक और है इसके अंदर, ये मैंने आपको लिखवा दिया, इसका एक और है जो है ला टोमाटीना। टमाटर होली, इससे ज्यादा क्या लिखूं, ये तो बहुत बड़ी हिंट हो गई आपके लिए, टमाटर होली, अब तो भूल ही नहीं पाओगे ऐसे, टमाटर से होली खेली जाती है। पता नहीं बुक में क्या दिक्कत आई थी कि इस टॉपिक को बोला पढ़ा ही नहीं गया है, इस टॉपिक को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया है बुक में, थोड़ा सा भी नहीं करा हुआ है, क्यों नहीं किया ये तो नहीं पता, और मैंने पेज नंबर भी देख लिया है बिल्कुल भी सब कुछ, बट हाँ हमें तो पता ही है ऑब्वियसली कि टमाटर के साथ होली खेली जाती है, बहुत गंदा हाल हो जाता होगा ना उधर का। ये देखो कुछ इस तरह से टमाटर के साथ बहुत सारे होली खेलते हैं, टमाटर लेके आते हैं, और मे बी ये टमाटर का उस टाइम पे होता है ना हार्वेस्ट हो रहा होता है उस टाइम पे मनाया जाता है, पता नहीं जो भी होता है, बट हाँ थोड़ी बहुत लाइनें तो बना ही सकते हो, हिंट की काफी होती है, बाकी बनाने में तो वैसे भी माहिर ही हो ना, बचपन से आदत लग गई होगी अब तक तो। और कोई टॉपिक रह रहा है बताने लायक? नहीं, ये रहा आपका लास्ट पन्ना इस ब्लॉग का, और ये हो गया आपका खत्म। और कुछ नहीं हो गया, एक बार रिवाइज कर ले, सोशल एंड फैमिली सेलिब्रेशन में हम लिखेंगे बर्थ, मैरिज एंड डेथ, बर्थ को सेलिब्रेट ले ईयर पुलिंग, मैरिज के अंदर वो राइस एंड पेटल वाला, और डेथ में आपकी एक अलग से सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें ये बिलीव किया जाता है कि जो हमारे एंसेस्टर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी सोल आती है हमारे पास, हमारे साथ रहती है, हमारे साथ खाना खाती है, ड्रिंक करती है और बहुत सारा इंजॉय करती है, और ऐसा माना जाता है। तो इसको भी एज अ सैड मोमेंट नहीं, फनी मोमेंट की तरह इंजॉय किया जाता है, और लोग ड्रेसअप भी ऐसे ही होते हैं, लाइक स्केलेटन, उनका फेस जो डिजाइन होता है, जो मेकअप होता है वो स्केलेटन होता है। दैट्स इट। फिर नेशनल सेलिब्रेशन, नेशनल सेलिब्रेशन के अंदर दो होते हैं, 24-25 वाला जो होता है, एक क्रिसमस ईव है दूसरा क्रिसमस है, और सेंटा क्लॉस आएंगे गिफ्ट देके जाएंगे, और इसको एज अ खुशी में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जीजस का जन्म हुआ था। और क्या बताऊं, होली वीक, होली वीक इसको पूरा वीक बहुत शांति से बीतता है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हर किसी को ग्रीफ होता है, रिग्रेट होता है, दर्द होता है कि हमारे जीजस को इतना ज्यादा टॉर्चर होना पड़ा, जब भगवान को इतना टॉर्चर होना पड़ सकता है, जो भी कुछ भी पावर थी थे तो सही होंगे, मैं कुछ इस चीज के ऊपर कुछ भी कंट्रोवर्सी वाला इशू नहीं क्रिएट करूंगी, होंगे तो बिल्कुल, और अगर ये कहानी सच्ची है तो ये बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, कहानी सुन लेना कभी, जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ अपना ही धर्म के बारे में जानना है, जानो हर किसी के धर्म को, जानो बिल्कुल जानो क्या है, क्यों है, कितने लोग इसको इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्या कहानियां थी। देखो कोई ना कोई इंसान होगा, मे बी लगा के बोल रही हूँ कि जो जो कहानी उनसे रिलेट की जाती है वो सारी सच ना हो, मे बी, ठीक है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, बट हमें नहीं पता, पर अगर ये सब हुआ है तो बहुत ही ज्यादा टॉर्चर वाला काम था और इसीलिए इस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर आपका लास्ट है अदर सरप्राइजिंग सेलिब्रेशन, जिसके अंदर एक लॉस एंड फर्मिस, पता नहीं कौन थे यार, बुक के अंदर कुछ नाम नहीं लिखा हुआ इनका, और आपको शायद जानने की जरूरत नहीं है, 60 नंबर में तो 60 मार्क्स में तो इतना लिख ही लोगे, 60 वर्ड्स में। जुलाई 7-14 चलता है, इसके अंदर एक एक्टिविटी को किया जाता है एंड सीरो जिसका नाम है बुल रनिंग। ठीक है, बुल, 6 बुल्स भागते हैं एक नैरो स्ट्रीट में, लोग आगे भाग रहे हैं, व्हाइट कपड़े पहने हैं, रेड हैंडकरचीफ लगाया है, अपने मन में इमेजिनेशन बिठा लो, व्हाइट कपड़े, तभी मैं आपको फोटो दिखा रही थी, चाहो तो ना दिखाऊं क्या पता चल रहा है आपको, दिखा रही हूँ कि ताकि दिमाग में फिट हो जाए। ठीक है, व्हाइट वाला हैंडकरचीफ पहन लिया, रेड वाला, व्हाइट कपड़े, रेड हैंडकरचीफ, हैंकी, हैंकी बोल लेंगे यार, और भाग रहे हैं, सीधा सीधा भाग रहे हैं, बहुतों की जान भी जा सकती है पर तब भी एडवेंचर, एडवेंचर तो बनता ही। तो ला टोमाटीना, टमाटर से होली, इतना बड़ा टमाटर से होली लिख दिया इसका, और क्या बताऊं, मे बी हार्वेस्ट होते ही इसीलिए ऐसा होता है, टमाटर की तो होली की खेली जाती है, जैसे हमारे यहाँ रंगों से खेली जाती है, वहां पे टमाटर एक दूसरे को उसे ऐसे प्योरी सी बना देते हैं, फेंक फेंक के एक ट्रक भर के निकल रहे होते हैं और टमाटर लेके ऐसे से मारते हैं, ऐसा कुछ होता है उसमें। ठीक है, ये लीजिए,
इस सबको नोट करना चाहे, एक ही बार में लिख सकते हैं, बिकॉज मैं बीच में थी, एक बार मैंने मौका नहीं लिया, तो अब ऐसे कर सकते हैं, आप लिख लीजिए। और कोई काम हो आपका मुझसे, वैसे आपने मुझे एक बार भी नहीं बोला था कि आप ब्लॉक पोर करवा दो, ये मैंने खुद से किया है, ये मेरे एफर्ट्स हैं, है ना, ये मेरे कर्म है, मैं खुद से कर रही हूँ आपके लिए, ताकि अगर कोई ऐसा भी होगा कि 2-3 दिन पहले ही देख रहा, तो उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा ना ब्लॉक पोर देखने का, पर अगर ये 4 वीडियो देख लेता है वो इंसान, तो और मैं समझा भी रही हूँ, सिर्फ लिख लिख के नहीं दे रही, चीजों को समझा भी रही हूँ, जैसे मैंने वो फ्रिडा कोला वाली कहानी बताई थी, एक्सीडेंट हो गया, फिर 20 साल बड़े उम्र से उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद उनको और बुरी लाइफ हो गई, फिर उन्होंने 200+ पिक्चर्स पिक्चर्स नहीं पेंटिंग्स बनाई, और उनमें अपने आप को ही पोर्ट्रेट किया, वो पेंटिंग में मैंने आपको दिखाई कैसे वो रिब दिख रही है, तो ये दिमाग में रह गई, मैंने बोली, आपने सुनी, आपने देखी, और वो फोटो भी दिखाई, सब चीज रह गई, तो आपको दिमाग में रह गया और मेरे भी रह गया, शायद मैं अभी से कभी ना भूल पाऊँ। सो ऐसे ही होती है पढ़ाई, और कोई तरीका तो है नहीं पढ़ाई करने का। और इसके बाद हम ऑलमोस्ट एड पे है, मे बी इसके बाद गिनती की जो मैंने शेड्यूल बनाया है, गिनती की 3 वीडियोस और आने वाली है, और चिंता मत करो, ये चीज ना मेरे ऊपर छोड़ो, मैं जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ ना, तो मैं बहुत शिद्दत से लेती हूँ, मैंने कमिटमेंट दे दिया है, तो मुझे उसे खत्म करने से कोई नहीं रोक सकता, और मैं अपनी मेरी चाहे हालत जो हो जाए, मैं जैसे कंडीशन में हूँ, मैं उसको खत्म करके रहूंगी, क्योंकि मेरे मन में यह है कि औरों के मन में इज्जत जो भी है, बट मैं अपने मन में ना वो इज्जत को डाउन नहीं होने देती, कशिश तो तूने अपने आप से वो चीज बोली थी कि तुझे करनी है और तू उसे कंप्लीट नहीं कर पाई ना, तो मैं उस दुख में, उस गिल्ट को मैं कभी भी नहीं लेना चाहती अपनी जिंदगी में, तो इसीलिए मैं सारी चीजें बहुत परफेक्शन की तरफ जाते हुए, चीज़ों को और अच्छा एनहेंस करते हुए, अपना टाइम बढ़ाते हुए, और नई नई एक्टिविटी ट्राई करते हुए हर चीज कर रही हूँ, प्रोवाइड कर रही हूँ कंटेंट, कुछ चीजें ना हमें और करनी है, जैसे एक तो हमें पूरा PYQ सॉल्व करना है, पूरा PYQ, पूरा पेपर, हम क्वेश्चन पेपर पूरा एज इट इज इस बोर्ड पे एक एक वर्ड को छोटे से छोटे करके एग्जाम में कैसे बता चलेगा कि इस पूरे पैराग्राफ का आंसर क्या है, वैसे करवाने वाली हूँ, मे बी मैं उसको 2 वीडियोस में करवाऊँ, कोशिश करूंगी एक ही में करवा दूँ, बिकॉज पैराग्राफ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पैराग्राफ है, मुझे उसको सॉल्व करवाते करवाते ना 30 मिनट लग जाएंगे, वीडियो बहुत, और वीडियो जब बहुत लंबी आती है ना, मुझे उसको अपलोडिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा पता नहीं क्या ग्लिच आता है बीच में कि वो अपलोड ही नहीं हो पाती, उसके बाद कोशिश करूंगी 2 में कर लूँ, ताकि मेरे को भी बीच बीच में रेस्ट मिल जाए वीडियो के, 2 वीडियो बना लूँ मैं, देखते हैं क्या होगा, ऑन द स्पॉट देखी जाएगी वो चीज़, बट हाँ हर चीज़ आपके एग्जाम से पहले ही हो जाएगी, उससे पहले बाद में आपको कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम बीत गया और मेरी वीडियो बाद में आ रही है, सब कुछ पहले ही हो जाएगा आपका, ठीक है, लास्ट वीडियो आपकी PYQ की होगी, ताकि आप मेरे साथ बैठ के मेरे साथ सॉल्व करें एक क्वेश्चन, और उसके कुछ दिन बाद या फिर 1-2 दिन बाद ही आप एग्जाम में जाएं और वैसा ही कुछ देखें और बहुत खुश हो जाए, इसीलिए उसको एंड में रखा हुआ है मैंने, ठीक है। और कुछ वर्ड्स मुझे आपको बताने हैं जो आपको पैराग्राफ में देखने को मिल सकते हैं, वो वर्ड्स जो हैं पैराग्राफ में ज्यादा काम आते हैं, जैसे कंजक्शंस का, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, उन वर्ड्स को तो वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, मे बी इससे नेक्स्ट वीडियो वही होगी, मैं कुछ वर्ड्स, मे बी 50 वर्ड्स हैं वो सबको लिख दूँ यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा करके उसका मीनिंग बता दूँ, और आप उसे डायरेक्टली याद कर लें तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी जब आप पैराग्राफ को मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो आएगी, जल्द आएगी, कल ही आ जाएगी, और कुछ नहीं, राधे राधे।